हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल सो दिस टॉपिक इज द प्रॉब्लम्स इन प्रॉब्लम एट टेन ओके फ्रॉम चैप्टर नंबर फोर इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग द वर्ड प्रॉब्लम्स इन प्रॉब्लम से टेन सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज सुयश ओके द फर्स्ट प्रॉब्लम इज सुयश बॉर्ड टू एंड हाफ के जी ऑफ शुगर एंड आशीष बॉर्ड थ्री एंड हाफ के जी ऑफ शुगर हाउ मच शुगर डिड डे बाय ऑल टूगेदर ठीक है सुयश जो है उसने टू एंड हाफ के जी ऑफ शुगर ली है और आशीष ने थ्री एंड हाफ के जी शुगर ली है अब हमें कैलकुलेट क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों ने मिलकर कितनी शुगर परचेस की है ठीक है ना उसके बाद क्या है इफ शुगर कॉस्ट रुपीज थर्टी टू पर के जी मतलब वन के जी शुगर की कॉस्ट कितनी हो गई रुपीज थर्टी टू एंड वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच डिड दे स्पेंड ऑन द शुगर दे बॉट मतलब दोनों ने जितनी भी शुगर uh, बाय की है या फिर परचेस की है उस पर उन्होंने कितने पैसे दिए हैं ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन ओके वी हैव गिवन दैट सुयश बॉट टू एंड हाफ के जी ऑफ शुगर एंड आशीष बॉट थ्री एंड हाफ के जी ऑफ शुगर नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ शुगर बॉट बाय देव ठीक है तो so, okay, so, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ये जो मिक्स नंबर है हमारे पास टू एंड हाफ एंड थ्री एंड हाफ इन दोनों को ऐड कर देंगे अब इनको ऐड करते समय हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर एंड ये नंबर इनको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं देन वी ऐड न्यूमरेटर ठीक है हमने यहाँ पे वही किया है उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा सिक्स के जी ठीक है ये तो हो गई टोटल अमाउंट ठीक है मतलब दोनों ने मिलकर सिक्स के जी ऑफ शुगर परचेज की है अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है हमें कैलकुलेट करना है हाउ मच दे स्पेंड ऑन द शुगर दे बॉट मतलब उन्होंने सिक्स के जी ऑफ शुगर ली है तो इसके ऊपर उन्होंने कितने पैसे वहाँ पे पे, पे किए हैं ठीक है ना तो हमें गिवन क्या है हमें ये गिवन है कि वन के जी ऑफ शुगर की कॉस्ट जो है वो है रुपीज थर्टी टू अब इसके बाद इसकी हेल्प से हम टोटल शुगर जितनी भी उन्होंने ली है उसके ऊपर कितना परचेस किया है ये कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए क्या हो गया सिक्स के ऑफ शुगर कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे इस रुपीज थर्टी टू को इस सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा वन नाइनटी टू देर फोर ये वन नाइनटी टू जो है वो टोटल अमाउंट होगा ठीक है ना दे बॉट सिक्स के जी ऑफ शुगर ऑल टूगेदर मतलब दोनों ने मिलकर सिक्स के जी ऑफ शुगर परचेस की है एंड दे स्पेंड रुपीज वन हंड्रेड एंड नाइन्टी टू ठीक है दोनों ने वन हंड्रेड एंड नाइन्टी टू रुपीज वहां पे पे किए हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आराधना ग्रोस पोटैटोज इन टू बाय फाइव पार्ट ऑफ अवर गार्डन ग्रीन्स इन वन बाय थ्री पार्ट ऑफ एंड ब्रिंजल्स इन द रिमेनिंग पार्ट हाउ मच एंड वी हैव टू कैलकुलेट ऑन हाउ मच ऑफ हर प्लॉट डिड शी प्लांट ब्रिंजल मेन्स हमें पोटैटोज का एरिया गिवन है उसके साथ ग्रीन्स का भी एरिया गिवन है सिर्फ हमें कैलकुलेट क्या करना है कि कितनी एरिया में उस आराधना ने ब्रिंजल्स को वहां पे ग्रो किया है ठीक है ना तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन सो गिवन क्या है हमारे पास द पोटैटो आकुपाइड टू बाय फाइव पार्ट ग्रीन्स ऑकुपाइड वन बाय थ्री पार्ट एंड रिमेनिंग जितना भी पोर्शन होगा उसमें क्या होगा ब्रिंजल्स होगा ठीक है ना तो इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं देखो हमने तीन कलर से यहाँ पे सेपरेट किया है ठीक है कंसिडर करते हैं कि ये जो रेड है ठीक है ना ये जो रेड एरिया है वो क्या हो जाएगा पोटैटोज़ का एरिया होगा रेड एरिया यानी ग्रीन्स का एरिया एंड जो ग्रीन कलर एरिया है वो कंसिडर करते हैं कि ब्रिंजल का एरिया है एंड उसके बाद ये जो डॉटेड लाइन है आउटर ठीक है ना ये डॉटेड लाइन यानी कि क्या हो जाएगा हमारा प्लॉट हो जाएगा ठीक है इस डॉटेड लाइन के अंदर ही सब करना है हमें क्योंकि हमारा प्लॉट जो है वो इतना ही होगा ठीक है तो इस डॉटेड लाइन के बाहर हमें नहीं जाना तो सबसे पहले लिख लेते हैं ठीक है हमने कंसिडर किया था ये ब्लू पार्ट जो पोटेटो से ऑक्युपाइड होगा रेड यानी कि ग्रीन पार्ट उसमें हमें क्या ऐड करना होगा ब्रिंजल का पार्ट अब ये तीनों को मिला के क्या बनेगा हमारा वन एकर गार्डन बनेगा ठीक है हमने बस वही लिखा है पार्ट ऑक्युपाइड बाय द पोटेटोज प्लस पार्ट ऑक्युपाइड बाय ग्रीन्स प्लस पार्ट ऑक्युपाइड

ग्रीन्स वाला एरिया फाइंड आउट करना है हमें तो इसीलिए हम क्या करेंगे जो रिमेनिंग है जो रिमेनिंग वाले दो पार्ट्स थे उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस टोटल एरिया में से अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा इन दोनों को इस तरह से शिफ्ट करना होगा और जो टर्म आएगी वो किस तरह से होगी वो हो जाएगी पार्ट ऑफ द गार्डन ऑक्युपाइड बाय ब्रिंजल इक्वल्स टू वन माइनस माइनस होगा क्यू क्योंकि ये जो दोनों टर्म्स थे वो हमारी लेफ्ट साइड में थे अब इनको हमें राइट right साइड में लाना है तो वो अपना साइन चेंज कर देंगे मतलब यहाँ पे प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस अब हमें ब्रैकेट लगाना होगा ब्रैकेट इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस साइन सिर्फ एक ही बार लगाया है इसीलिए इसकी वजह से क्या होगा ये अंदर का साइन चेंज नहीं होगा हमें जैसा साइन यहाँ पे था हम वैसा ही साइन यहाँ पे लिख सकते हैं अब ये क्या हो गया वन माइनस पार्ट ऑफ गार्डन आकुपाइड बाय पोटैटोज प्लस पार्ट ऑफ गार्डन आकुपाइड बाय ग्रीन्स अब देखो हमारे पास वैल्यू है हमारे पास पोटैटोज ने जितना भी एरिया किया है ऑक्यूपाई किया है उसकी भी वैल्यू है एंड ग्रीन्स की भी वैल्यू है तो वहां पे सब्सटीट्यूट कर देंगे सब्सटीट्यूट करने के बाद क्या होगा ये वन तो एज इट इज होगा ये माइनस साइन भी एज इट इज है अब आपको पार्ट अकू बाइट बाय द पोटेटो कितना है टू बाई फाइव एंड पार्ट इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहला काम ये होगा कि इसको मतलब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे तो अगर हमें इस फर्स्ट फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे सिंपली सेकेंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है जिससे कि ये वन तो एज इट इज होगा फर्स्ट फ्रैक्शन क्या था टू बाय फाइव हमने इसको इस थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाली टर्म आ गई सिमिलरली अगर वन बाय थ्री को मुझे पहले फ्रैक्शन की तरह अगर बनाना हो तो मैं क्या करूंगी इस फाइव से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी ये मल्टीप्लाई होने के बाद इसको कैलकुलेट कर दो आपको आंसर आ जाएगा टू तो इंटू थ्री इक्वल टू तो सिक्स फाइव इंटू थ्री इक्वल टू तो फिफ्टीन सिमिलरली फाइव इंटू वन इक्वल टू फाइव एंड थ्री इंटू फाइव इक्वल्स टू फिफ्टीन अब देखो डिनोमिनेटर सेम है इसका मतलब ये लाइक like फ्रैक्शन है तो हम इसके न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं अब न्यूमरेटर्स को ऐड करने के बाद जो टर्म होगी वो इस तरह से होगी हम जो डिनोमिनेटर है ठीक है ना सेम आने के बाद उसको वन टाइम ही लिखते हैं और ये जो वन था वो एज इट इज ही होगा उस वन के साथ अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया देखो ये वन हमने फिर से एज इट इज लिखा माइनस यहाँ पे कितना होगा सिक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू इलेवन एंड फिफ्टीन तो हमने उसको एज इज लिखा अब यहाँ पर भी ये दोनों तो अनलाइक फ्रैक्शन है तो इनको सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो अगर मुझे वन को वन है इसका मतलब ये वन अपॉइन वन होता है इसको अगर मुझे फिफ्टीन बनाना है तो मैं क्या करूंगी इसको फिफ्टीन से मल्टीप्लाई कर दूंगी और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिफ्टीन इंटू वन हमेशा फिफ्टीन ही होगा इसलिए कैलकुलेट करने के बाद आपको ये टर्म आएगी ये भी एक लाइक फ्रैक्शन बन रहा है यहाँ पे अगर अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शन आता है तो आप उसके न्यूमरेटर्स को ऐड या फिर सब कर सकते हो और ऐसा करने के बाद जो आंसर होगा वो होगा फोर मतलब में प्लॉट की है वो प्लॉट किए है फोर बाय पार्ट में ठीक है ओके सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज संदीप फील्ड वाटर इन फोर बाय सेवन ऑफ एम टैंक आफ्टर दैट रमाकांत फील्ड वन बाय फोरथ पार्ट मोर ऑफ द सेम टैंक ठीक है पहले तो संदीप ने एक एम टैंक का फोर बाय सेवन पार्ट फिल किया उसके बाद रमाकांत ने वन बाय फोर पार्ट फिल किया अब तो उसके बाद क्या हुआ द उमेश यूज थ्री बाय फोरटीन पार्ट ऑफ द टैंक टू वाटर द गार्डन ठीक है ना उमेश ने क्या किया गार्डन को वॉटरिंग करने के लिए जो भी फिल्ड टैंक था उसमें से थ्री बाय फोर्टीन पार्ट यूज कर लिया अब हमें क्या गिवन है इसके बाद इफ द टैंक हेज द मैगजिम कैपेसिटी ऑफ फाइव सिक्सटी लीटर्स ठीक है ना जो टैंक है जिसको हम फिल कर रहे थे उसकी मैग्जिम कैपेसिटी कितनी है फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी लीटर्स अब हमें कैलकुलेट ये करना है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल बी लेफ्ट इन द टैंक ठीक है ना मतलब लास्टली जब उमेश ने वाटर यूज कर लिया था उसके बाद उस टैंक में कितना पानी बचा है ये कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं गिवन क्या है कि संदीप ने कितना वाटर फिल किया था फोर बाय सेवन पार्ट उसके बाद रमाकांत ने कितना वाटर फिल किया था वन बाय फोर्थ पार्ट अब हमें देखो इन दोनों को ऐड करना होगा इस इन दोनों को ऐड करने के बाद ही हमें पता चला था कि एक्चुअल में टैंक कितनी फिल हुई थी ठीक है ना तो इनको ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम कि जो फ्रैक्शन है इनको सिंपली इस तरह से ऐड कर दो अब देख सकते हो आप कि ये जो दोनों फ्रैक्शन है ये अनलाइक फ्रैक्शन है ठीक है तो इनको लाइक like में कन्वर्ट करना होगा तो लाइक like फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे इस फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकेंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सेकेंड फ्रैक्शन को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो आंसर होगा वो ये होगा फोर इंटू फोर इंटू सिक्सटीन सेवन इंटू फोर इक्वल टू ट्वेंटी एट उसके बाद वन इंटू सेवन इक्वल टू सेवन 4 into 7 equals to 28. अब यहाँ पे जो दोनों है है. है वो 28, 28 है। इसका मतलब ये like हो गए. और जब like fraction हमारे पास आ जाते हैं हैं हैं. तो तो हम क्या करते Numerators को या फिर कर सकते होता दोनों ने मिलकर जो भी टैंक था हमारा उसका ट्वेंटी एट बाय ट्वेंटी थ्री बाय ट्वेंटी इतना पार्ट फिल कर दिया था अब इसमें से हमें क्या कैलकुलेट करना है तो इसमें से जो उमेश है कि, इसने कितना वाटर यूज किया है वो कैलकुलेट करना होगा तो पहले गिवन लिख लो हमारे पास गिवन ये है कि उमेश ने थ्री बाय फोर्टीन इतना पार्ट जो है उस टैंक के टैंक में जो वाटर था उसका इतना पोर्शन उसने यूज किया है अब जितना भी पानी उसने यूज किया है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे जो टोटल टैंक फिल था जितना टैंक हमने फिल किया था उसमें से ये वाले टर्म सब कर दो ठीक है तो हमें ऑटोमेटिकली जितना भी वाटर वहां पे लेफ्ट होगा वो पता चल जाएगा मतलब कितना पार्ट उसने यूज किया है वो पता चल जाएगा अब यहाँ पर भी एक का डिनोमिनेटर है ट्वेंटी एट एंड सेकेंड का डिनोमिनेटर है फोर्टीन इसका मतलब इसको भी हमें लाइक like फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो हमें ये पता है कि फोर्टीन के टेबल में ट्वेंटी एट आ जाएगा तो हम सिर्फ एक ही फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे इस फर्स्ट फ्रैक्शन को हम एज इट इज रहने देते हैं ठीक है थीके? इस फर्स्ट फर्स्ट फ्रैक्शन को हमने एज इट इज लिखा और को हमने से कर दिया। इससे क्या होगा दोनों के डिनोमिनेटर जो है, वो 28, 28 आ जाएंगे, और जब होता है तो न्यूमरेटर्स uh, या फिर सब कर देते हैं तो इसका मतलब ट्वेंटी थ्री माइनस सिक्स इसका मतलब एक्चुअल में उमेश ने सेवेंटीन बाइ ट्वेंटी एट इतना पार्ट इतने पार्ट का वाटर उसने यूज कर लिया था अब हमें फाइनली क्या कैलकुलेट करना है हमें ये कैलकुलेट करना है कि टैंक में कितना पानी बचेगा उसके लिए हमें टैंक की कैपेसिटी भी गिवन है जो है फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी लीटर्स ठीक है तो उसका यूज करते हैं टैंक की जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम इतनी है अब इसमें से अगर हमें कितना पानी बचा है ये कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे सेवनटीन बाइ ट्वेंटी एट को मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी कैपेसिटी तो आंसर मिल जाएगा हमें थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी लीटर्स ठीक है इसका मतलब द क्वांटिटी ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक इज थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी लीटर्स मीन टैंक में इतना पानी बचेगा बस यही कैलकुलेट करना था आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा ठीक है जितने भी प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं वो सारे प्रॉब्लम्स बहुत ही ईजी है अच्छे से कर लेना ठीक है अगर कोई डिफिकल्टी होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना थैंक यू